टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के बोईसर में एक फैब्रिक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि पालघर के बोईसर में इस फैब्रिक फैक्ट्री में धमाका आज शनिवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास में हुआ है, जिसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी गई और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घायल अवस्था में चारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अभी भी 2 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं और आग पर काबू भी पा लिया गया है।